हम इस समय मौजूद हैं रीवा की बड़ी दरगाह के पीछे। यहाँ पर अभी भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद है। पुलिस अधीक्षक स्वयं इस छापे की निगरानी कर रहे हैं। इस छापे में यहाँ पर लगभग 50 पेटी सिरप, जिसको कोरेक्स कहते हैं, वो बरामद हुआ है। 6 से 7 की तादाद में यहाँ पर पिस्टल कट्टा बरामद हुए हैं, साथ ही भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इस समय पुलिस की कार्रवाई यहाँ पर जारी है और मैं आपको दिखाता हूँ किस गली पर किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। ये ठीक बड़ी दरगाह के पीछे का इलाका है और ठीक सटा हुआ यहाँ पर बगल में इमामबाड़ा है और इमामबाड़ा से लगा हुआ ये एक मकान। इस मकान के में जैसे ही पुलिस को काफ़ी दिनों से ये सूचना मिल रही थी कि यहाँ पर अवैध रूप से कई कारोबार होते हैं, अवैध रूप से यहाँ पर कोरेक्स बेची जाती है, अब कट्टे पिस्टल इस तरीके के यहाँ पर हथियार भी बेचे जाते हैं, लगातार पुलिस इस पर निगरानी कर रही थी और पुलिस ने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर छापा मारा है, जिसमें मुख्य आरोपी, अभी तक बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी यहाँ पर फरार है, पुलिस उसके पीछे है। अभी कार्रवाई चल रही है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार लगभग 50 पेटी सिरप, 6 से 7 कट्टे, भारी मात्रा में कैश। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि अभी हमारी कार्रवाई जारी है, कार्रवाई पूरी होने के बाद ही हम बता पाएंगे यह कार्रवाई कितनी बड़ी है। निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव के पहले इस तरीके की कार्रवाई पुलिस की एक प्रशंसनीय कदम है। लोकसभा माना जा सकता है ये कार्रवाई कोरेक्स का यह व्यापार अवैध रूप से जो संचालित यहाँ पर था वो किसी न किसी तरीके से युवाओं को प्रभावित करता था, उस पर एक नशेले कारोबार पर भी ये नकेल लगेगी। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी। ठीक है, चलिए वहीं से लाएंगे ना। यार मैं थोड़ा, हाँ मैं कहीं निकल आया हूँ यार, तो मैं भी बताता हूँ। अच्छा 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 जी सर, मैं अभी फोन मिलाने वाला था, अभी आया हूँ, यहीं पे देख ही रहे हैं सर हम। ये माल है और ये माल है, निकालो भाई। मोड़ा फोन दो, बोले अंदर है बना दी। आप लोग एक एक करके ले लेना, है ना, सारे लोग एक एक करके और
थोड़ा पीछे कर। बाइट ले लीजिए बस छोड़िए बात कर रही है बैठाइए उसको पानी वाली पिलाइए उसको सर अभी एक रेट पड़ी है जिसपे आपने भारी मात्रा में नशीला पदार्थ और हथियार भी बरामद किए हैं। देखिए ये लगातार यहाँ पे शिकायत मिलती रहती थी, ये बड़ी दरगाह का है यहाँ पे अपने रीवा शहर के बीच में बीचों बीच ही अमैया कॉलोनी कहलाती है आसपास इसके, और एक इर्शाद करके एक सस्पेक्ट था जो बार बार पॉइंट आता था कि इसके पास काफ़ी बड़ी मात्रा में ये ट्रेडिंग करता है, बेचता है, खरीदता है। आज जो है हम लोग ने इसके घर पे सर्च मारा और सर्च में काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पे कोरेक्स जो है बड़े ही प्लान्ड वे में गद्दों के अंदर, दीवारों के अंदर, जो घर के कोने होते हैं, किचन के अंदर, बाथरूम के अंदर छुपा करके रखा गया है। अभी हम लोग असेस कर रहे हैं कि कितनी कोरेक्स हो सकती है, बट एक अभी जो प्रारंभिक आकलन ऐसा लग रहा है वो 50 पेटी से ऊपर की ही कोरेक्स लग रही है। साथ में यहाँ पे करीब 5 हम लोगों को अभी तक पिस्टल जो कट्टा बोलते हैं देसी वो मिल गया है, कुछ चाकू मिले हैं और भारी मात्रा में कैश भी मिला है जिसका कि अभी गिनती होना बाकी है। अभी सर्च हम लोग की अंडरवे है, अभी चल रही है क्योंकि पूरे घर की हम लोग विस्तृत तलाशी लेंगे सभी जगहों पे, कुछ दस्तावेज भी अलग तरह के मिले हैं, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिली हैं और ये पूरी कार्रवाई अभी जारी है। क्या माना जाए कि ये लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकते थे? देखिए जो हम लोग के यहाँ रीवा शहर में आप सब लोग जानते हैं कि नशे का एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक प्रभाव है और नशा और क्राइम के बीच में काफ़ी गहरा संबंध भी यहाँ पे चल रहा है। नव युवकों को ले अगर हम लोग या कोई घटनाएं लूट जैसी है वारदातें हैं वो अक्सर नशे करके की जाती हैं, तो बहुत संभावना है कि इस तरह के इसका उपयोग अगर किया जाता तो इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए तो नहीं लेकिन आम लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने के लिए तो ज़रूर किया जा सकता है। तलघर भी यहाँ पे मिला है जैसे बता रहे हैं उसके अंदर भी। देखिए सब पूरा हम लोग सर्च कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी सर्च हम लोग की चल रही है, अभी अंडरवे है सर्च और डिटेल में पूरी एक एक चीज़ हम लोग सर्च करेंगे और सर्च करके फिर पूरा ब्यौरा विस्तृत प्रेस नोट में के माध्यम से आप लोग को अवगत कराएंगे। सर कोई आरोपी भी अरेस्ट हुआ इसमें? नहीं अभी कोई आरोपी अरेस्ट नहीं हुआ, जो मेन आरोपी वो भाग गया है जैसे हम लोगों ने रेड डाली है, बट हम लोग उसके पीछे हैं अभी, उसको कोशिश कर रहे हैं पकड़ने की।